Assalamu alaikum. Okay, in this video I'm going to explain you cerebellum ke efferent fibers and efferent pathways, efferent tracts. Jo kuch bhi cerebellum se bahar nikalta hai, jo fibers usse bahar niklenge, they all are efferent fibers. Maine aapko pehle hi bataya external features explain karte hue nuclei ke time pe ke jo kuch bhi cerebellum se bahar nikalna hai wo hamesha Purkinje cell ke axons hi honge. जो अंदर Purkinje cells पड़े हुए हैं cerebellum के अंदर सिर्फ उन्हीं के axons हैं जो लंबे होते हैं क्योंकि Golgi type 1 ये neurons हैं और वो आते हैं रास्ते में nuclei पड़े हुए dentate emboliform वगैरह उनमें आकर relay करते हैं और फिर यहाँ से वो cell से बाहर निकल जाते हैं cross करके सब कुछ so ये आपने बात याद रखनी है अब उनमें ज़ाहिर है different tracts बने हुए हैं बहुत ही आसान है ये बातें सारी पहला ट्रैक है उसे हम कहते हैं ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म रूब्रल नाम शो करेगा हर चीज़ को ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म रूब्रल ठीक है रूब्रल पाथवे इसका मतलब ये कि ग्लोबोज और एम्बोलीफॉर्म जो आपका न्यूक्लियस है यहाँ पर आके फाइबर्स पहले Purkinje सेल्स के रुकेंगे इससे फिर बाहर निकलेंगे और बाहर आपका जहाँ पर रूब्रल का मतलब रेड न्यूक्लियस जहाँ पर आपका रेड न्यूक्लियस है वहाँ पर आके रुकेंगे और वहीं से फिर आपका ट्रैक अगला स्टार्ट होगा सो पाथवे इनका यही है जो मैंने बताया है कि ग्लोबोज और एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लिया से आएंगे फाइबर्स Purkinje सेल के एग्जॉन्स सेल से बाहर निकलेंगे सेरिबेलम से बाहर किस तरह निकलेंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए याद रखना सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है जो इनको निकालेगा सेरिबेलम से बाहर सेरिबेलम से बाहर जब ये आएंगे तो इन्हें जाना है रूब्रल में यानी रेड न्यूक्लियस आपका पड़ा हुआ है मिड ब्रेन में ऐसे करके रेड न्यूक्लियस में चले जाएंगे आपको पता है मैंने बताया था कि सेरिबेलर पेडंकल्स में से सिर्फ सुपीरियर सेरिबेलर इज द ओनली सेरिबेलर पेडंकल जो डीकसेट करता है सो जब ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में आएंगे तो पहले ये डीकसेशन करेंगे उसके बाद ये आ जाएंगे रेड न्यूक्लियस में रेड न्यूक्लियस से बनेगा आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जब बनता है उसके बाद ये दोबारा डीकसेशन करता है सो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है दैट सेरिबेलम ऑलवेज कंट्रोल्स इप्सीलैटरल साइड ऑफ बॉडी इप्सीलैटरल का मतलब होता है कि सेम साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है अगर राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मैसेज जा रहा है तो राइट साइड ऑफ बॉडी कंट्रोल होगी वो कैसे कंट्रोल होगी राइट साइड की कि आपको मैंने बताया कि एक दफ़ा जब मैसेज निकलेगा सेरिबेलम से तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में फाइबर्स डीकसेट कर जाएंगे उस वक्त ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे लेकिन जब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक में आएंगे देन दोबारा डीकसेट करेंगे तो फिर अपनी साइड पे वापस आ जाएंगे तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं डबल डीकसेशन फिनोमिना एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटर्न एंड वाइवा डबल डीकसेशन जिसको नहीं समझ आए वो रिपीट करके देखे रिवाइंड करके डबल डीकसेशन इज ऑब्लीगेशन फॉर योर वाइवा एंड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह सेरिबेलम इप्सीलैटरल साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर लेता है तो ये हो गया आपका ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म रूब्रल पाथवे दूसरा जो है दैट इज डेंटोथेलमिक उसका नाम है डेंटोथेलमिक नाम से शोर है कि डेंटेट न्यूक्लियस में से आएंगे और थैलमस में जाएंगे तो आपका डेंटेट न्यूक्लियस में से फाइबर्स निकलेंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में आएंगे उसी तरह सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के साथ डीकसेशन हो जाएगी देन थैलमस में जाएंगे थैलमस की डिटेल्स अभी आप लोगों ने अगर पढ़ी हो नहीं भी पढ़ी तो इट्स ओके कोई बात नहीं वेंट्रोलैटरल एक एरिया होता है थैलमस में वहाँ पर ये जाएंगे थैलमस से फिर ऊपर कॉर्टेक्स में जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स फाइनल डेस्टिनेशन कॉर्टेक्स से बनेगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जरिए ये नीचे आएंगे टू द स्पाइनल कॉर्ड मोटर मैसेज लेके अब होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जब नीचे आता है पिरामिड्स के लेवल पे दोबारा डीकसेशन होती है तो पहली डीकसेशन हुई सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में तब ऑपोजिट साइड पे चले गए फाइबर्स जब दोबारा डीकसेशन हुई पिरामिड्स में तो फिर से अपनी साइड पे फाइबर्स आ गए इस तरह सेरिबेलम ने फिर से इप्सीलैटरल साइड को कंट्रोल कर लिया इसको फिर से हमने कह दिया डबल डीकसेशन हो गई और सारा का सारा कंट्रोल अपनी साइड पर आ गया तो ये आपका दूसरा ट्रैक है विच इज़ नॉन एज डेंटोथेलमिक ट्रैक तीसरा होता है उसे हम कहते हैं फास्टिजियल वेस्टिबुलर क्योंकि एक ही न्यूक्लियस बच के हमारा फास्टिजियल तो फास्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे नाम शो कर रहा है कि फास्टिजियल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलेंगे और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो पड़ा होगा लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस सबसे प्रोमिनेंट है उसमें चले जाएंगे और वहाँ से जो है वो आपका पाथवे आगे का बन जाएगा जिधर भी उनने जाना है वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक बनता है इनने इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए आना है ठीक है इन्फीरियर इसलिए इनमें कहीं भी डीकसेशन नहीं होगी ना इनमें शुरू में कहीं डिकसेशन होगी ना बाद में होगी तो ये खुद ही अपनी साइड को कंट्रोल करेंगे क्योंकि ये रहेंगे अपने साइड पे बहुत सिंपल आखिरी है इफ्रेंट पाथवे फास्टिजियल रेटिकुलर ये भी फास्टिजियल से निकलेंगे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए चले जाएंगे
रेटिकुलर फॉर्मेशन में और वहाँ से रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में. तो इस तरह से आपके चार इफ्रेंट ट्रैक्ट्स हो गए. पहला था ग्लोबोज एम्बोलीफॉर्म रुब्रल जिसमें डबल डिकसेशन हुई थी. दूसरा डेंटोथेलमिक जिसमें डबल डिकसेशन हुई. तीसरा फर्स्टिजियल वेस्टिबुलर, कोई डिकसेशन नहीं है किसी भी जगह नहीं. एंड फर्स्टिजियल रेटिकुलर, कोई डिकसेशन नहीं. सो ये आपके चार इफ्रेंट्स हो गए. बहुत आसान. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क. थैंक यू.